स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. अच्छी आ रही है पक्का. शुक्रिया आपकी. क्या बात है प्यार. कैसा लगा? हो गया. अभी खाना खाया कुछ सुबह से? खाना खा लिया. पक्का? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग. आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे. और आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 9:30 बजे से. एक्चुअली जस्ट हम लोग अभी वापस आए हैं, कार सीखने गए थे. एंड हमारे साथ आज है हमारे भैया भाभी भी. हेलो, गुड इवनिंग. वैसे तो हम लोग पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए हेलो. और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? आग सेक रहे हो. अच्छा अच्छा. एक्चुअली पता क्या है, मैंने इनको डिनर पे इनवाइट किया था एंड आज हमारा बहुत सारा प्लान था. जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने पनीर और शिमला मिर्च को मैरिनेट करके रखा हुआ है. यहाँ पर आलू कढ़ी की भी तैयारी चल रही है. तो इसको हम करने वाले थे एक्चुअली बारबेक्यू, बट आई थिंक हमारा प्लान हो चुका है पोपट. पोपट हो गया ना ये बारबेक्यू? काम नहीं कर रहा है. कर रहा है, कर रहा है. 5 मिनट तुम्हें नहीं दिखेगा. ठीक कर दिया. मुझे लगता है ये पहले से ही चल रहा था और हमने बस 5 मिनट वेट नहीं किया लाइट जगने का. राइट. मुझे ऐसा लगा था कि इसकी लाइट जो है वो जब जगेगी तभी ऑन होगा. बट ये ऐसे ही खोल दिया. ऑन हो गया. एक्चुअली इसको हीट होने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा ना. चलो बढ़िया बढ़िया. मुझे तो लगा था आज का प्लान पॉपट हो जाएगा, लेकिन नहीं. चलो बाल बाल बच गए. तो आज हम लोग देखने वाले हैं मूवी. ठीक है. तो मूवी जो है आपको भैया भाभी आप लोग डिसाइड करो, लगाओ टीवी पे और मैं बनाती हूँ तब तक कड़ी. और तुम करो ये बारबेक्यू. तो लगा दिया आपने, इसमें वही डालना है दही, वही रहता डालने के लिए. कोई बात नहीं, आप बैठो आराम से. खुशबू आ रही है भैया का तो मन नहीं मारा जा. कंट्रोल नहीं हो रहा भैया. भैया रुको, सब्र का फल मीठा होता है. चलो तो अभी फटाफट से मैं डाल देती हूँ ये आलू में, क्योंकि आलू मेरे गल चुके हैं. और गल तो घर के आ ही चुके हैं. मुझे लगता है जल गया, मैंने जला दिया. व्लॉग के चक्कर में खाना जला मेरा. बट आई होप बट स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. अच्छी आ रही है पक्का. प्याज तो मैंने खाने में भी बहुत टेस्टी होगा, पर मैंने प्याज तो जलाई दी है. मैं पता है कि हर बार जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, मेरा खाना ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का बनता है. मतलब जैसे अगर आलू कड़ी मैंने कल बनाई है वो डिफरेंट टेस्ट की होगी, जो आज बनाई है वो डिफरेंट टेस्ट की होगी. क्योंकि मुझे जो दिखता है मैं वो डाल देती हूँ, जो नहीं दिखता वो नहीं डालती. ऐसे हुआ ना तो रात के 12 बज जाएंगे. देखे एक इंसान के साथ यहाँ पे बड़ा धोखा. इंसान नहीं, इसका तीसरा स्टिक था एक में, ये इसी में मैंने डाला हुआ था. थर्ड स्टिक था वो कहाँ पे है? मैंने इसके सारे स्टिक्स रखे हुए थे. इसने लास्ट टाइम करा है ना बारबेक्यू, उसके बाद इसने स्टिक्स गुम कर दिए हैं. ऐसे ये भी टूटेगी, ये भी जाएगी. रख दो इसको. बड़ा एक धोखा हो रहा है. क्या जो जो सोच रहा है चिकन. जो जो बेटा ये दे रहे जो क्या तैयार है तू? यार ये चिकन नहीं है, पनीर है. तू नहीं खाता है पनीर? चिकन वाली बात मत ले. चिकन भी बना. जो जो पूरा रेडी होकर के बैठा हुआ. जो जो ये तेरे मतलब का नहीं है यहाँ पे कुछ भी. लगता होगा सर चिकन है, चिकन है बन रहा है. लग भी वैसा रहा है ना, पीला पीला और ऊपर से मसाला रहा है. जो बोनलेस चिकन पानी निकल बातें कर रहे हैं. मुंह घुमा करके बैठ गया. भूख लग रही है. तो अपनी कड़ी भूल गई जो मेरा काम था. ओह शिट. कोई टेस्ट करेगा कड़ी? भाभी आप टेस्ट करना. टेस्टी वाली हूं तो मैं आपको बता सकती हूं. जय हो. कलर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कड़ी का. यम्मी. पक्का? नहीं नहीं ऐसे एक्टिंग नहीं करनी. अच्छी अच्छी बताओ. नमक परफेक्ट. मेरे मतलब का नहीं है यहाँ. बॉल बॉल करके हक से भाग रहा है ये. बिल्कुल सही है. ये बेसन पक गया या फिर क्या? थोड़ा सा पक गया. अब आते देखने में तो यम्मी लग रहे हैं भैया. कैसे लग रहे हैं? एकदम एकदम बहुत अच्छा बना. करिए आप भी. क्या बात है प्यार. कैसा लगा? भैया तो ऐसे पूछ रहे जैसे भैया ने अपने हाथों से बनाया. सच में है ना ऐसा? कोई बात नहीं, भैया ने बनाया मैंने बनाया, एक ही बात है. पैसे थोड़े से छोटे हो गए हैं, वो टूट रहे थे. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ठीक है, परफेक्ट है.
सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक अगेन. तो कल रात ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया. वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम एंड बातें करते करते, मूवी देखते, खाते पीते कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला. और सुबह भैया भाभी भी चले गए एंड रवि भी कार धुलवाने के लिए चला गया, उसको भी बहुत सारा काम था आज गाड़ी से रिलेटेड. एंड मेरी मम्मा भी आने ही वाले होंगे. अच्छा मैं आपको बताना भूल गई, एक्चुअली कल मेरे मम्मा थोड़े किसी काम से बाहर चले गए थे, तो इसलिए ये रीज़न था कि मैंने भैया भाभी को घर पे डिनर पे इनवाइट किया था, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता ना, मैं नहीं चाहती कि मम्मा थोड़ा डिस्टर्ब हो, तो मम्मा नहीं थे इसलिए मैंने ये सारा प्लान किया. एंड अभी मम्मी आते ही होंगे, इसलिए मैंने क्या किया, फटाफट से ना सारे घर की साफ सफाई भी कर दी है. आप देख सकते हो किचन भी पूरा साफ कर दिया, बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं, क्योंकि अगर मैं ये सब काम ना करती ना तो फिर मम्मी से डांट पड़ जानी थी, क्योंकि रात हमने पूरा मतलब ऐसे क्या ही धमाल मचाया था, पूछो मत, आप समझ सकते हो. सुबह से ना मैं घर के कामों में इतनी ज्यादा उलझी हुई हूँ, इतना ज्यादा बिजी हूँ कि ऑफिस का लैपटॉप खोलने तक का टाइम नहीं मिला है मुझे बॉस. और ऑफिस का काम इतना सारा पेंडिंग है कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा काम कर ही लेती हूँ, अदरवाइज मेरी वॉट लग जाएगी. अच्छा ऑफिस के काम से मुझे याद आया कि मुझे ना इंस्टाग्राम पे काफी सारे डीएम आते रहते हैं, आप काफी सारे क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हो कि आपको मतलब कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, क्या स्टडी करनी चाहिए, किस तरीके से जॉब मिले, जॉब से रिलेटेड स्पेशली मुझे काफी सारी क्वेरीज आती हैं. तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ रीलेवल बाय अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में. इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने ऑलरेडी एक अपनी पुरानी वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन चलो आज फिर से मैं आपको बताती हूँ. रीलेवल बाय अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्रेशर्स या फिर जो भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब दिलाता है, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर. इस प्लेटफॉर्म में फ्रेशर्स भी और साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. ये पूरा का पूरा फ्री है, स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री है. एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को 50% तक का हाइक भी मिल सकता है एंड री लेवल नॉन टेक्निकल रोल्स को 4 लाख पर एनम एंड टेक्निकल रोल्स को 6 लाख पर एनम एंड मैक्सिमम 15 लाख पर एनम का पैकेज ऑफर करता है, वो भी इंडिया की टॉप कंपनीज में जैसे कि अपग्रेड, क्रेड या फिर वेदांतो जैसी कंपनीज में. आपको अपना ड्रीम करियर स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक टेस्ट देना है और वो टेस्ट ना आप घर बैठ करके अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के थ्रू भी दे सकते हो, वो भी एक दिन में. टेस्ट का स्कोर मिलने के बाद ना आपकी एक कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट होगी जिसमें आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस पूरी की पूरी डिस्क्राइब की जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब मेंशन किया जाएगा और भी बाकी इन्फॉर्मेशन जो कि रिज्यूमे में मेंशन होती है वो सारी की सारी आपको वहां पर दिखाई दी जाएगी और वो कैंडिडेट प्रोफाइल आपकी कंपनीज के साथ शेयर होगी और फिर उसके बेस पे कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी. रीलेवल गिव अवेज भी ऑर्गेनाइज करने वाला है, जो भी रीलेवल के टॉप 50 टेस्ट टेकर्स होंगे उनको शानदार गिफ्ट दिए जाएंगे रीलेवल की तरफ से, जैसे कि मैकबुक एंड एप्पल वॉच. रीलेवल के थ्रू ना काफी सारे लोगों को जॉब्स मिली है, ये आप उनकी ट्विटर प्रोफाइल रीलेवल अचीवर पे भी चेक कर सकते हैं. साउंड्स एक्साइटिंग डजंट इट? तो फिर देरी किस बात की, अभी जाकर के रीलेवल के टेस्ट के लिए रजिस्टर करें. आप लोगों से बातें कर ही रही थी कि यहाँ पर मेरे घर वाले भी आ चुके हैं. हेलो मम्मी, कैसी रही आपकी रात? बहुत बढ़िया, एंजॉय किया? हेलो भैया वंस अगेन. रात तो हमने बहुत मजे किए ना, पूरा एंजॉय किया ना फुल ऑन. मुझे तो पूरा मतलब भूल नहीं रहा. और जो इतना वो है ना ढीठ हो गया, इसने सुबह से खाना नहीं खाया, खा ही नहीं रहा ये कुछ भी. जो मुझे मिस कर रहा था, ये मम्मी को मिस कर रहा था शायद. जो मिस कर रही थी. रवि कहाँ है? रवि ओला. ओ भाई साहब इतने अंधेरे में बैठे हुए क्या कर रहे हो तुम? और कोई काम नहीं है ना, या तो नेटफ्लिक्स या तो पबजी. हो गया पूरा, कार वगैरह धुलवा दी अच्छे से? ओके. मेरी एक बात मानो ना, कार में वो रख लो मतलब कुछ कपड़े रख लो, क्योंकि एक्चुअली हम ना जोजो को बैठाते हैं, जोजो पूरा बाहर धूल मिट्टी में ऐसे गंदा होता है खुद को, और फिर जब हम उसको कार में बैठाते हैं तो वो कार की पूरी सीट्स गंदी कर देता है. उसको कपड़ा यहाँ से लेके जाएंगे. मैंने कल भी दिया था तुम्हें कपड़ा, वो डिक्की में पड़ा पड़ा हुआ है. हो गया अभी खाना खाया कुछ सुबह से? पक्का? मम्मी को खिलाओ. मम्मी को भूख लगी? मुझे भी लगी, मैंने खाया नहीं. मुझे पूछा तुमने खाना खाया है? लेते हैं ना, मैं घर के कामों में पता है कितना ज्यादा बिजी थी. मैंने भी सब लोग नहीं खाया तो मेरे नखरे क्यों मार रहे? चलो उठो खाते. सच सच बताओ. ठीक है, मम्मी को खिला के आती हूँ, खुद भी खा के आती हूँ. भैया आप खा करके आए कुछ की नहीं? आपने और रवि ने खा ली है ना पक्का? आप क्यों हूँ कर रहे हो? आप भी खा ली है? मैंने भी
बस मैं वहाँ बहुत कुछ खाया है। तो मैं अभी ना डालूँ आपके लिए? नहीं नहीं अभी रहने दो। मम्मी? मम्मी तो मुझे धोखा दे दी। मैं मम्मी का सुबह से वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो नहीं खाया, नहीं मैंने सुबह से नहीं खाया। मैंने सोचा चलो रवि और भैया तो खा करके आएंगे पक्का, क्योंकि पाल ढाबा गए थे ये सेक्टर 28 में काम के लिए। मैं मम्मी का वेट कर रही थी, बर्दाश्त नहीं हुई भूख। भूख तो मुझे खाना तो नहीं खाया बट फूड खा ली थी। चलो फिर मैं डालू थोड़ा सा? चलो ठीक है, आपने नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ। जो जो की खुशी देख रहे हो आप, कितना ज्यादा मिस कर रहा था। जो भी मम्मी को मिस कर रहा था। जो सुबह से मैंने जो जो से बात नहीं करी ना, मैं बिजी थी, तो जो मेरे से नाराज है। खाना तो मैंने बनाया नहीं, यही रात के कड़ी बची हुई है और चावल बचे हुए हैं। चावल थोड़ा सा देखती हूँ, बनाना है तो बना लेती हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि आपको पता ही है कितना बिजी थी मैं। क्या बात है, मम्मी के प्लेट में मतलब चावल डलते ही खत्म हो गए। मम्मी और क्या इतनी बनी तुम्हारे हाथ की कड़ी, क्या करूँ, मजा आ रहा है, दिल कर रहा है इतने उंगलियां काट के खा जाओ। उंगलियां मत काटो बट चावल खा लो आप। बहुत टेस्टी बने सच में। A few moments later. मम्मी लगता है काफी ज्यादा थक गए हैं, काफी गहरी नींद में है और जो रिया में पहरा दे रहा है, बाकी बच्चे काफी शोर मचा रहे हैं। बच्चों थोड़ा सा धीरे ना, मम्मी सो रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी भैया यहाँ से चले गए क्योंकि भाभी का ऑफ होने वाला है, तो भाभी को भी पिक करना है, तो भैया एंड भाभी तो आते ही होंगे। एंड रवि भी अपने दोस्त के यहाँ पे चला गया है, भाई वो यहाँ नहीं टिकता, या तो वो बाहर होगा, या तो नेटफ्लिक्स पबजी में होगा, या फिर वो दोस्त यहाँ चला जाएगा। तो अभी हम लोगों को भी बाहर जाना है, तो मैं फटाफट से ना रेडी हो लेती हूँ। रेडी इसलिए होना है क्योंकि बाहर जाना है, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं दशहरा देखने के लिए। ओह बाय द वे हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ और हमें बाहर निकलना है जल्दी से, क्योंकि अदरवाइज ट्रैफिक इतना ज्यादा लग जाएगा ना और हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, एंड भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है आज तो। एंड मुझे लगता है कि आज का व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो अभी मैं आप लोगों को जो दशहरा है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आपको दशहरा मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ढेर सारा प्यार देना। बाकी इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।